हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। देखिए, अनअकैडमी पर अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अनअकैडमी पर रेफरल कोड यूज़ करना है Study10, और इसमें आपको स्पेस नहीं लगाना है, STUDY10 विदाउट एनी स्पेस लिखना है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फीस में। और जितने भी एजुकेटर अभी अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं उन सब के कोर्सेज आप देख सकते हैं। मेरी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली मेरे को अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरी पुरानी क्लासेस और अपकमिंग जितने भी क्लासेस होंगी और अपकमिंग जितने भी कोर्सेज होंगे वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और देखिए, आपको एक छोटा सा काम करना है, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर जरूर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है, तो आपको पहले का आंसर कैसे बताना है, आपको टाइप करना है 1 और इसका राइट आंसर क्या रहेगा फिर वो आपको लिख देना है। जैसे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, तो फर्स्ट का राइट आंसर बी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ओके गाइस, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश के पूर्व सुल्तान कबूस बिन सैद का निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, ओमान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धनानंद। बिल्कुल सही है दोस्तों, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी पुस्तक सलमान रुशदी से संबंधित है, फटाफट आंसर बताइए। इनमें से कौन सी पुस्तक सलमान रुशदी से संबंधित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बन गए हैं, तो कौन बन गए दोस्तों पहले घुड़सवार, जल्दी बताइए। वेरी गुड, पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फवाद मिर्जा। देखिए, अगर आप कमेंट में आंसर कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करके बताइए कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। और अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए क्या कोड यूज करना है भाई, आपको Study10, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आप सभी जानते होंगे कैसे ज्वाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक कर्मयुद्ध ग्रंथ का विमोचन किसने किया था, सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, लोटे तेसरिंग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन असेंट 2020 कहां पर हुआ था, सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोची केरल में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एसेटिक अम्ल, कौन सा एसेटिक अम्ल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य संगठन यानी कि WFO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, WFO का मुख्यालय कहां पर स्थित है, जनेवा, लंदन, रोम या न्यूयॉर्क, तो रोम रहेगा दोस्तों क्या राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म मिशन मंगल में किस अभिनेत्री ने लीड रोल किया था, अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए
और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आया होगा, तो बिल्कुल आया था भाई ये वाला क्वेश्चन भी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ श्रीलंका? इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगातार 4 टेस्ट सीरीज में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही है विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विराट कोहली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक कान की हड्डी नहीं है? इनमें से कौन सी एक कान की हड्डी नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन डी, फीमर। ठीक है, चले नेक्स्ट है, शशि थरूर को इनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 मिला है? शशि थरूर को इनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 मिला है? सॉरी, एन एरा ऑफ डार्कनेस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियक राजवंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया था आपका सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, ठीक है ना, तो जैसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? कंफ्यूज मत होइएगा, राष्ट्रपति पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री नहीं पूछ रहा हूँ, राष्ट्रपति। तो बताइए 21वें का सभी आंसर बताएंगे कमेंट में, बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए सी और डी में से बताएंगे, वो तो मुझे पता है, गोताबाई राजपक्षे। ठीक है, गोताबाई राजपक्षे, मैंने क्या पूछा, श्रीलंका के राष्ट्रपति पूछा है, तो गोताबाई राजपक्षे हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता प्रधानमंत्री तो महेंद्र राजपक्षे हो जाता, ठीक है ना। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोटी के डंक में कौन सा डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन द स्लाइंट ऑफ आंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिका द्रोणावली किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शतरंज, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग द्वारा विंग इंडिया 2020 का आयोजन कहां पर होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विंग इंडिया 2020 का आयोजन कहां पर होगा? हैदराबाद, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित तेजन बाई किस राज्य से हैं? तो ये किस राज्य से है भाई? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक सावित्री बाई फुले किस राज्य से संबंधित है? तो समाज सुधारक सावित्री बाई फुले किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सातवें स्थान पर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में हम्पी निम्न में से किसकी राजधानी थी? मध्यकाल में हम्पी निम्न में से किसकी राजधानी थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार। ठीक है, राइट आंसर जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था? 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन जी को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष 12 मई को किसके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिवस पर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेश बघेल वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? भूपेश बघेल वर्तमान में किस राज्य में मुख्यमंत्री हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, सॉरी, अरुणाचल विधानसभा के नए लोगों में कौन सा पुष्प दर्शाया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार आ चुका है तो दूसरी बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, फोक्सटाइल ऑर्चिड नाम का एक फूल होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नए लोगों में दर्शाया गया है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 2H2O, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था, राइट आंसर क्या रहेगा 1924, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो आप सभी को पता ही होगा, वेयर इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? तो कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, उड़ीसा में, बहुत ही फेमस मंदिर है और एग्जाम में कई कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, अलग अलग एग्जाम में, ठीक है, रेलवे में भी आ चुका है, SSC में भी, और भी बहुत सारे एग्जाम है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लॉटरी कारोबार पर GST दर कितने प्रतिशत है? तो वर्तमान में लॉटरी का जो कारोबार है दोस्तों, उस पर GST की जो दर है वो हाईएस्ट है, जो GST की हाईएस्ट रेट है, तो कितनी है, 28%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर इक्वल टू हाउ मेनी वाट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में रेपो रेट कौन जारी करता है?
भारत में रेपो रेट कौन जारी करता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इससे आसान क्या होगा। आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट में फटाफट बता दो। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। निम्न में से कौन सी एक मछली नहीं है? अब इसमें कंफ्यूज रहेंगे, सब लगा रहे होंगे डी, है ना? तो डी आंसर नहीं है, फिर सोचिए दोबारा से क्या आंसर होगा, दोबारा से बताइए कमेंट में। निम्न में से कौन सी मछली नहीं है? तो समुद्री घोड़ा एक मछली का नाम है, बट स्टार फिश जो है ये एक मछली का नाम नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय कांग्रेस का विषय क्या था? अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में किस राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात पुलिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 8 निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 8 निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र से, यानी कि यूनियन टेरिटरी से। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश का रंग होता है? अब देखना बहुत सारे गलत करेंगे। लाल, सफेद, हरा, नीला। लाल कितने स्टूडेंट कर रहे हैं? सफेद होता है दोस्तों, वाइट। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे से। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? बॉम्बे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 34वीं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है, अल नगाहा युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत और ओमान, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। वास्को डिगामा किस वर्ष भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था? वास्को डिगामा किस वर्ष भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था? राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 16वीं सदी में निर्मित आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? 16वीं सदी में निर्मित आमेर का किला दोस्तों राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दोस्तों किसने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी या त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों 1913 में की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ईश्वर शर्मा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड प्रदान किया गया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा योग के लिए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जैसलमेर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ BCCI। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI द्वारा पोली उमरीगर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में धनु यात्रा उत्सव मनाया जाता है, धनु यात्रा उत्सव मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दांतों का एनेमल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विलयन, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली के कुवत उल मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस वर्ष भारतीय सेना में महिला सैनिकों का पहला बैच शामिल किया जाएगा, किस वर्ष भारतीय सेना में महिला सैनिकों का पहला बैच शामिल किया जाएगा, दोस्तों 2021 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एनके सिंह, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहार के चौथे दिन को क्या कहा जाता है, तो पोंगल त्योहार के चौथे दिन को क्या कहा जाता है, कनुम पोंगल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर से लॉन्च किए गए विश्वास प्रोजेक्ट का पूरा नाम क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसके जन्मदिन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला कौन है, वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल
एम्प्यूट टू स्केल माउंट एवरेस्ट। अरुणिमा सिन्हा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने कौन सी बार महिला सेफ विश्व कप 2019 जीता है? तो भारत ने कौन सी बार जीता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पांचवीं बार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है? निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिबांग और लोहित नदियां निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? दिबांग और लोहित नदियां निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? देखिए अभी कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहले बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, फटाफट कमेंट में बताइए अभी कौन है वर्तमान में। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क हैं? हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो 104, 104 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। निम्न में से कौन सा एक लोहे का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन सा एक लोहे का अयस्क नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्यूप्राइट यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का एकीकृत हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 139 यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल तो अंगूर में पाया नहीं सकता क्योंकि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, जो दूध के प्रोडक्ट हैं। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गलत हो गया यहाँ पे ऑप्शन, इसको कर लेते हैं 1960 क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो गए ना, तो एक ऑप्शन गलत हो गया हमारा। 1960 में हुआ था तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हाल ही में किस महिला भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर पर नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? गाइज राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरबजीत कौर यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा कार्डियोलॉजी में शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है, हार्ट का यानी कि हृदय, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण को 120 डिग्री पर रखा गया है, इनके बीच रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या होगी कितनी दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर यानी कि दो। ठीक है, तो देखिए
मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ तक की वीडियो देख चुके हैं ना, तो फटाफट एक बार तो कर दीजिए लाइक, और अपने जितने भी दोस्त हैं ना उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि यार इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चाहते हैं मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड करना, क्योंकि लाइव क्लासेस चलती है अनअकैडमी पर, उनको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही आपको सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अनअकैडमी से। SAURABHMALIK, या फिर डायरेक्ट जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे और वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो कर लीजिए। ठीक है भाई, तो ये होगी हमारी यहाँ तक की क्लास। अभी आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर भी आपको ऐसे ही करने हैं जैसे अभी तक के क्वेश्चंस के आंसर आपने किए हैं। ठीक है, फटाफट लाइक शेयर और जितने भी फ्रेंड है ना ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए। ठीक है, जाइए जाइए एक बार लाइक करके आइए फटाफट। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, गूगल कंपनी मुंबई के बाद भारत में दूसरा क्लाउड सेवा क्षेत्र कहां पर स्थापित करेगी? जल्दी से आंसर बताइए गाइज। इसका सही आंसर रहेगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गूगल क्लाउड क्षेत्र कंपनियों को स्थानीय स्तर पर डाटा स्टोर करने में मदद करता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत कोरोना वायरस के कारण किस देश में होने वाली निशानेबाजी विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा साइप्रस, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका आयोजन 4 से 13 मार्च तक साइप्रस की राजधानी निकोसिया में किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक भाषा में संपादन के लिए किस फिल्म संपादक का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा श्रीकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इन्होंने अभी तक सर्वाधिक 17 भाषाओं में फिल्मों का संपादन किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कितने भाषाओं में? 17 भाषाओं में, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल अपतटीय गश्तीय पोत ICGS को किस शिपयार्ड ने बनाया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा लार्स एंड टर्बू, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति चितेस्तु वातानाबे का निधन हो गया, वे किस देश से थे? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ये थे जापान से, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इनकी उम्र कितनी थी? दोस्तों इनकी उम्र थी 112 साल, ठीक है, 112 वर्ष की थी, और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी राजनीतिक हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा केरल हाईकोर्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों एम मणि कुमार, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए दोस्तों देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट और कई पेरेंट्स की भी कॉल आई है कि सर ये अनअकैडमी कैसे वर्क करता है, कैसे हम इस पर अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं। तो प्लीज़ मेरे को 1 मिनट दीजिएगा और बिल्कुल भी पैनिक मत होना, मैं जो चीज़ें बताऊंगा आप आराम से सुनिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी के लिए भी, ठीक है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। अभी आप देख रहे होंगे कि एक कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा मतलब स्प्रेड हो रहा है, अलग अलग सिटीज़ से अलग अलग स्टेट से आती है इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पर भी कोरोना वायरस के कुछ मतलब थोड़ा बहुत मिला है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है। तो अनअकैडमी पर आप कोई भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अनअकैडमी पर ही, ठीक है, चलिए आपका मन करता है कि कोई और दूसरा एजुकेटर भी आपको अच्छा लगता है, वैसे जितने भी टॉप एजुकेटर हैं ना इंडिया के वो सारे अनअकैडमी पर मिल जाते हैं। तो कल जो मेरे को एक कॉल आई थी उसकी वजह से मैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि सर कोरोना वायरस की वजह से मैं कोचिंग में नहीं जा पा रही हूँ, एक लड़की थी
और सर मेरे को बताइए कि अनअकैडमी पर कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे को यहाँ से पढ़ के देखना है, एक महीना पढ़ के देखती हूँ फिर मैं रिन्यू करा लूँगी अगर मेरे को अच्छा लगा। मैंने बिल्कुल यही चीज़ बोला कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप रिन्यू करा लेना, आप सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। और फिर मेरे को आइडिया है कि और स्टूडेंट को भी ये चीज़ बतानी चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, आराम से घर पर बैठ के पढ़िए। इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं वो आपको घर पे बैठ के, मतलब आप घर पे ही बैठ के पढ़ोगे, वो अपने घर से पढ़ाएंगे, आप तक चीज़ों को पहुंचाएंगे। अनअकैडमी बीच में एक मतलब कम्युनिकेशन का काम करेगा, लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, सारे नोट्स मिलेंगे, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ भी प्रॉब्लम आती है फीडबैक का ऑप्शन होता है, क्वेश्चन पूछने का वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, आप हर चीज़ पूछ सकते हैं डायरेक्ट। इतनी चीज़ आप क्लास के बीच में नहीं पूछ सकते जितनी यहाँ पर पूछ सकते हैं, है ना। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, हर एक बच्चे के मोबाइल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका मन करे तभी आप खोल के पढ़ सकते हैं। उसमें अपना गोल सेलेक्ट करिए, किस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करिए, जितने मंथ का कोर्स लेना है उतना सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। जहाँ पे लिखा होता है एंटर रेफरल कोड, देखिए एंटर रेफरल कोड का मैं बता देता हूँ, सौरभ 11 है, इसे अप्लाई करते हैं तो डिस्काउंट तो मिलता ही आपको। और जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी पर उनके किसी के भी कोर्स आप देख सकते हैं, किसी का भी कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, किसी की भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। सौरभ 11 कोड लिखिए, अप्लाई के बटन पर क्लिक करिए, फीस में भी डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका पेमेंट करने के बाद में आपको सारी क्लासेज मिलती है, जैसे बिल्कुल आप कोचिंग सेंटर में बैठ के पढ़ते हैं, है ना। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बॉयज अपना नंबर भी दे सकते हैं, वहाँ पे जाके भी मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि कैसे आपके लिए वर्क करते हैं अनअकैडमी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है किसी को भी, किसी भी प्रकार की जो भी आपके मन में अभी सवाल आया होगा, जैसे मैंने सारी चीज़ें बोली, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कमेंट कर सकते हैं कि सर आप क्या चीज़ बोल रहे हो ऐसे, भाई मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अपने मन का जो भी चीज़ है एक वैलिड तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में 45 वर्षों के बाद होने वाली 19वीं वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 का आयोजन कहां पर होगा। इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों बेंगलोर, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और ये 7 से 8 मार्च तक हुई है। इसकी थीम क्या थी ये आपसे पूछी जा सकती है, तो थीम मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो थीम है इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये इस बार की थीम थी दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत सरकार मिशन, ये मिशन होगा, ये मैं कह नहीं मैं होगा, मिशन पूर्वोदय के तहत उड़ीसा को स्टील हब बनाने के लिए किस देश से मदद लेगी। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जापान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए मिशन पूर्वोदय को जनवरी 2020 में लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य है कि पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब बनाया जाए, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रो फार्म प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए किस एयरपोर्ट ने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन बनाया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मुंबई एयरपोर्ट ने, ठीक है। इसमें 700 टन से अधिक माल को होल्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर वनीकरण के लिए किसे स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो कर्मयोगी पुरस्कार 2020 दिया गया है दोस्तों किसको, जादव पाइंग को, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, ठीक है। ये असम से हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि LNG से चलने वाली भारत की पहली कॉमर्शियल बस किस शहर में चलेगी। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा कोची बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। और इस बस को भारत की जो LNG लिमिटेड है दोस्तों उसने बनाया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा राफेल नडाल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और राफेल नडाल जो हैं ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इनके करियर का ये 85वां ATP खिताब है, ठीक है, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जाने माने कोच जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये थे संबंधित एथलेटिक्स से, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, और इनको 1997 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में नेपाल की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जोधपुर राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पहले बैच में 30 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए कोटे से कौन सा अभियान शुरू किया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सुपोषित मां अभियान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी डिजिटल लेन देन रिपोर्ट 2019 में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सबसे आगे है, ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और यहां पर अगर बात कीजिए शहर कौन सा है, शहर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो शहर दोस्तों कौन सा होगा? नंबर वन शहर बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? बिल्कुल दोस्तों 32 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, और इन परियोजनाओं का उद्देश्य है कि कृषि उपज और किसानों की आय को बढ़ाना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हम सफर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसकी मदद से होटल, अस्पताल या फिर हाउसिंग सोसाइटी की को डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, सुनने की क्षमता की देखभाल के लिए विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 मार्च को, ठीक है। और इसकी थीम थी हियरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में स्थित ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जम्मू में जो सिटी चौक था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, भारत माता चौक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बलबीर सिंह खुल्लर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? दोस्तों ये संबंधित थे हॉकी से, और इन्होंने 1968 में ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने पेक्का लुनमार्क को अपना अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा की है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा नोकिया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये राजीव सूरी का स्थान लेंगे जो कि 31 अगस्त 2020 को रिटायर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने कोविड 19 से प्रभावित देशों को कितनी सहायता राशि देने का प्रस्ताव किया है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बिल्कुल $12 बिलियन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसमें आपातकालीन वित्तीय पोषण नीति सलाह और तकनीकी सहायता शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विश्व
वर्ष 2020 के लिए विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए कितने स्थानों को नामित किया है? बिल्कुल दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा 2। कौन कौन से? धोलावीरा और दक्कन सल्तनत। और इस समय भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण मिलन 2020 को स्थगित कर दिया गया है, यह नौसेना अभ्यास कहां पर होने वाला था? दोस्तों ये होने वाला था विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और इस अभ्यास में 41 देशों को आमंत्रित किया गया था। इसका आयोजन 18 से 28 मार्च के बीच किया जाना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका के व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स में भारतीय मूल की किस महिला को प्रमुख सलाहकार बनाया गया है? तो सीमा वर्मा इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 30 जनवरी को कोरोना वायरस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो गाइज इसमें भारतीय हॉकी टीम को स्थान मिला है 4th, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। इसमें पहला स्थान बेल्जियम का है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा नीदरलैंड है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को, ये आपको याद रखना है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के नए वित्तीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के नए वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भूषण पांडे। बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। अजय भूषण पांडे वित्तीय सचिव के रूप में राजीव कुमार का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वेनेजुएला में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है? बिल्कुल दोस्तों, अभिषेक सिंह इसका सही आंसर रहेगा। और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मराठी को स्तरीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पर भारत की स्तरीय भाषाएं तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो प्यारे दोस्तों नई दिल्ली इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली सेवा शुरू की है? तो एयरटेल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा, विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को, याद रखिएगा। और इस बार की जो थीम थी वो थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 162 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यह योजना किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने तथा व्यापारिक प्रबंध के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो एयरलाइन ने किस बैंक के साथ मिलकर के चिंग नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? काचिंग नाम का एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो दोस्तों HDFC बैंक के साथ मिलकर, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। और इस कार्ड की मदद से क्या होगा भाई, इस कार्ड की मदद से यात्रियों को टिकट समेत कई ऑफर भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के पदक तालिका में देश की शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही? दोस्तों देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पर एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें 15 क्वेश्चन मैंने कवर कराए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसका सही आंसर रहेगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, बिल्कुल सही है। टोटल कितने मेडल, 46 मेडल, ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें 17 गोल्ड है, 19 सिल्वर है, 10 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में व्यापार को आसान बनाने के बनाने और मुश्किलों के जल्द निवारण के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? बिल्कुल दोस्तों, स्पाइसी ई प्लस वेब पोर्टल, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिम्स्टेक समूह म्यांमार थाईलैंड से भारत तक कितने किलोमीटर लंबा पावर ग्रिड स्थापित करेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 3000 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश है जिसका मुख्यालय बांग्लादेश में है, ठीक है, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो मोहिउद्दीन को बनाया गया दोस्तों, यासीन को, ठीक है, ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो 4.7%, ये आपका देखना है। पहली तिमाही में 5% थी, दूसरी तिमाही में 4.5% और तीसरी तिमाही में 4.7% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है? रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आसनसोल, पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। फरवरी 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 124वीं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री रहे थे, इनका जन्म 29 फरवरी 1896 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1896 में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ADB ने, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो 4 मिलियन डॉलर इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, बिल्कुल मनीला, फिलीपींस में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 3 मार्च को, ठीक है, मार्च के सारे इंपॉर्टेंट डेज भी कवर करेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उत्सव आयोजित किया गया? इसका सही आंसर रहेगा एकम उत्सव, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। इसका उद्देश्य दोस्तों दिव्यांग लोगों के बीच ज्ञान और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है गाइस। इसमें रबी फसलों की सुरक्षा के लिए मिट्टी और पानी की निशुल्क जांच की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कौन सा देश मार्च 2020 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा?
दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा चीन। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। फरवरी 2020 में भारत ने आर्मेनिया के साथ कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों 40 मिलियन डॉलर इसका सही आंसर रहेगा। और इस सौदे के तहत भारत आर्मेनिया को 4 स्वदेशी निर्मित रडार की आपूर्ति कराएगा। 1 से 7 मार्च तक किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? तो ऋषिकेश इसका सही आंसर रहेगा, जो कि उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। इस कार्यक्रम में 11 देशों के योग शिक्षक और चिकित्सक हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 61वां वार्षिक ललित कला अकेडमी अवार्ड कितने कलाकारों को प्रदान किया है? तो 15 कलाकारों को। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा। तुर्की में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो संजय कुमार पांडा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई द्वारा टीम चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सुनील जोशी इसका सही आंसर रहेगा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों सौरभ गांगुली है, सचिव जय शाह है और सीईओ राहुल जोरी है। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू विश्वविद्यालय का नाम किस महाराजा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया है? तो महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है, ऑप्शन रहेगा गाइज डी राइट आंसर। और इसी के साथ जम्मू हवाई अड्डे को हिंदू डोगरा सम्राट महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया है, ठीक है गाइस, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के चलते अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन अब अप्रैल के बजाय किस महीने में प्रस्तावित है? तो सितंबर इसका सही आंसर रहेगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट अब सितंबर में होगी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है? तो जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर रहेगा। किस राज्य के बजट 2020-21 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, झारखंड बजट 2020-21 में प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली खपत वाले परिवारों को कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो 100 यूनिट प्रति माह, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों डॉक्टर रामेश्वर उराव, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाली 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो पुणे महाराष्ट्र इसका सही आंसर रहेगा। इसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2021 में किया जाएगा गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किसे अपनी स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा गैरसैंण, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रज्ञान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर है। हाल ही में 34वां आहार अंतर्राष्ट्रीय भोजन और आतिथ्य मेले का आयोजन कहां पर होगा? तो नई दिल्ली इसका सही आंसर रहेगा।
हाल ही में मंत्रालय ने मानव जीनोम मैपिंग के लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री निराश्रित गाय भागीदारी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। इस योजना के तहत आवारा पशुओं को घरों में रखने पर 900 रुपये माह दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संसद ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए कितने निधि की मंजूरी दी है? $8.3 बिलियन इसका सही आंसर रहेगा। अमेरिका में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमित 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो लक्समबर्ग इसका सही आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकुल से इटावा हो गया यार ये, इटावा तक 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर है। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो 27 फरवरी इसका सही आंसर रहेगा। हाल ही में चर्चा में रहा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने 2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर लिया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IPPB का गठन अभी 2016 में ही हुआ था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब क्वेश्चंस थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको फटाफट लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम पे जाइए, सौरभ सर जी के सर्च करिए, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी PDF नोट्स मिल जाते हैं जितनी भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम पर सौरभ सर जी के सर्च करिएगा, सौरभ सर जी के आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे कुछ भी मैसेज करके पूछना चाहते हैं तो मैसेज करके पूछ सकते हैं, मेरी आईडी है सौरभ मलिक 17। के फेसबुक पर मेरा नाम है सौरभ मलिक, आप सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, सौरभ 11 ज्वाइन करना है कोड में, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अशरफ गानी, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। देखिए अशरफ गानी इस तरह लगातार दूसरी बार अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग को मंजूरी दे दी है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 3 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों 22वें विधि आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान जो कि IDSA है का नाम बदलकर किसके नाम पर करने का निर्णय लिया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, सही आंसर बताइए जल्दी से क्या रहेगा। तो मनोहर परिकर इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। देखिए मनोहर परिकर 2014 से 2017 के बीच देश के रक्षा मंत्री थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कब से कब तक? 2014 से 2017 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हैरी ग्रेग का निधन हो गया,
वे किस खेल से संबंधित थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? फुटबॉल से संबंधित थे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और नॉर्दर्न आइसलैंड के पूर्व गोलकीपर थे, और इनका जन्म कहां पर हुआ था? नॉर्दर्न आइलैंड में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में दोस्तों 20 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। अच्छा, इस बार की जो थीम थी, कोई बताना चाहेगा आप में से? कमेंट में बताइए इस बार की थीम क्या थी। बिल्कुल, क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। ठीक है, क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, हरियाणा में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाले हरियाणा के सभी खिलाड़ियों को 15 लाख दिए जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी भाग लेगा उसको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जीतने वाले को, गोल्ड मेडल जीतने वाले को 6 करोड़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेगा। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ बेनिफिट्स और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइनिंग प्रोसेस बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में कमेंट में पूछते हैं। देखिए, अनअकैडमी पर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, 30+ एग्ज़ाम जितने भी गवर्नमेंट के होते हैं इंडिया में, उनको अनअकैडमी पर कवर किया जाता है। उनसे रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो सारे कवर कराए जाते हैं। ऑल एजुकेटर जितने भी पढ़ा रहे हैं उन सभी के आप वीडियोस देख सकते हैं, कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी डाउट सेशन होते हैं उनको पूछ सकते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में आपको पूरा एक सीरीज में मिल जाता है कि कौन सी क्लास कब होगी, उसको आप कितनी बार भी देख सकते हैं, उसको आप लाइव भी देख सकते हैं, और लाइव जब हो जाएगा उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। ज्वाइनिंग कैसे करनी है किसी भी एग्जाम के लिए, मैं एक छोटा सा प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपना उसमें गोल सेलेक्ट करना है, किस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं। यहाँ पर आपने रेलवे सेलेक्ट कर लिया, SSC कर सकते हैं, बैंक कर सकते हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे वही आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने भी मंथ का कोर्स आपको लेना होगा, जैसे नेटफ्लिक्स में हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, वैसा ही जितने भी मंथ का आपको कोर्स लेना है उतना ही सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जहाँ पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड, वहाँ पे आपको विदाउट एनी स्पेस सौरभ 11 डालना है कैपिटल लेटर में, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ये कोड डालने के बाद में अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो फीस होगी वो कम हो जाएगी। जब वो कम होगी, जब उसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है, उससे पहले पेमेंट नहीं करना है। प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्लासेस और सारे नोट्स और जो भी मतलब पूरा कंटेंट आपको मिलता है वो सब कुछ देख सकते हैं। कोई भी डाउट आते हैं तो आप मेरे से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सौरभ मलिक सर्च करके। ठीक है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये कोड आपको याद हो जाए। ठीक है, विदाउट एनी स्पेस, स्पेस नहीं दे रहा है सौरभ 11 में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि क्या तय की है? पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि दोस्तों 31 मार्च 2020 हो गई है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, आयकर विभाग के अनुसार यदि पैन को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी जो कि नाडा है ने भाला फेंक खिलाड़ी अमित दाहिया पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों ये लगाया है 4 वर्षों के लिए, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और अमित दहिया जो है दोस्तों ये हरियाणा राज्य से है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
16 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? बिल्कुल दोस्तों, वाराणसी में किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर का भी उद्घाटन किया है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल, महंत नृत्य गोपाल दास इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ट्रस्ट का नाम क्या है, ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये ट्रस्ट का नाम है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बना है, यह कहाँ पर है? तो देखिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन जो ये यहाँ से यहाँ तक लिखी है, ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें ही क्वेश्चन छिपा हुआ है कि ये पहला प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा बन गया है भारत का, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वैसे मेरे हिसाब से पता होगा सभी को कि दिल्ली में है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है गाइस, समझ गए। चले नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लोरियस स्पोर्टर्स इस पुरस्कार 2020 में स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड का खिताब किसने जीता है? सपोर्टिंग मोमेंट का अवार्ड दोस्तों जीता है सचिन तेंदुलकर ने। वैसे मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड की थी जिसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर मैंने कवर कराई थी, उसमें में ये मैंने क्वेश्चन कवर करा था, ठीक है। और ये दोस्तों जो मोमेंट रहा था सचिन तेंदुलकर को, 2011 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो विंग मोमेंट इसको कहा गया है, ठीक है, विंग मोमेंट के लिए चुना गया है, सॉरी। तो ये वो वाला मोमेंट है जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, तो जब सचिन को कंधे पे उठा के लेके आए थे, है ना, वो वाला मोमेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मूडीज ने 2020 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? अब देखिए, जीडीपी की हर बार कुछ ना कुछ ये परसेंटेज चेंज होती रहती है, तो मोस्टली चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ नई नई परसेंटेज आ रही है, तो इस तरीके से चेंजेस में क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि क्या चीज़ इसमें याद कर सकते हैं। तो 5.4% हो गई है, इससे पहले इन्होंने 5.8% कही थी, ठीक है। इसके अलावा अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी इन्होंने जो अनुमान लगाया वो 5.8 का ही लगाया है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए योद्धाओं ऐप लॉन्च किया है? योद्धाओं ऐप लॉन्च किया है दोस्तों केरल राज्य ने, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या करेगी कि पुलिस नशीली दवाइयों का दुरुपयोग और उसके वितरण के बारे में सूचित कर सकेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और जो ये इस बार का ओलंपिक होगा दोस्तों, ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, ये 32वां संस्करण होगा, तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सा होगा, 32वां संस्करण होगा ये, तो नोट कर लेना। नेक्स्ट है, लोरियस स्पोर्टर्स पुरस्कार 2020 में स्पोर्टर्स मैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? दोस्तों ये दो ने जीता है, लियोनल मेसी और लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है, तो यहां पर ये दोनों ही रहेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। और ये आप सभी को पता होगा, लियोन मेसी क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी है, ठीक है, अर्जेंटीना से, और ये फरारी के ड्राइवर हैं, ठीक है, लुइस हैमिल्टन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं?
दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा राधा किशन दामनी, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात कीजिए पहले नंबर पे, तो पहले नंबर पे तो मुकेश अंबानी है, ठीक है, जिनकी 57.1 बिलियन डॉलर नेटवर्थ है, और राधा किशन जो दामनी है इनकी नेटवर्थ है 17.4 बिलियन डॉलर। तो ये भी आपको याद रखना है। और तीसरे नंबर का भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर के हैं शिव नादर। कौन है? शिव नादर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अटल भूजल योजना के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 450 मिलियन डॉलर पर, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। और यह केंद्र सरकार को देश में गिरते भूजल स्तर को रोकने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस शहर में बायो एशिया 2020 सम्मेलन शुरू हुआ? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है कहां पर? हैदराबाद में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। इस बार की जो थीम थी बायो एशिया 2020 की वो थी टुडे फॉर टुमारो, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा वाराणसी में। देखिए इसके अलावा बीएचयू में भी 430 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल का भी उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुर्तगाल के सहयोग से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी? राष्ट्रीय समुद्री विरासत कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों गुजरात, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह विश्व स्तरीय कॉम्प्लेक्स दोस्तों गुजरात के लोथल में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात के लोथल में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 16 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन को रवाना किया गया, इसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है बिल्कुल काशी महाकाल एक्सप्रेस। वेरी गुड, काशी महाकाल एक्सप्रेस इसका सही आंसर रहेगा। और यह ट्रेन दोस्तों इंदौर जो कि एमपी में है और वाराणसी जो कि यूपी में है, इन दोनों शहरों के बीच चलाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के नए वित्तीय सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा देवाशीष पांडा। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, ठीक है। देवाशीष पांडा जो कि वित्तीय सचिव के रूप में राजीव कुमार का स्थान लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। किसका स्थान लेंगे? राजीव कुमार का स्थान लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? और प्यारे दोस्तों देखिए आपके लिए ही वीकली करंट अफेयर लेके आता हूँ, 50 से 100 क्वेश्चन तक इसमें होते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, बिना बोले ही लाइक कर दिया करें, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। इसका सही आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों 15 फरवरी को, ठीक है। पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है, और यह दिवस फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 का आयोजन किस केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? किस यूटी में किया जाएगा, किस यूनियन टेरिटरी में किया जाएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 का आयोजन दोस्तों लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूटीज में किया जाएगा, ठीक है, और ये पहली बार होगा यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। और खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का जो आयोजन हुआ था इस बार वो गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन गुवाहाटी। ओलंपिक टॉर्च रिले शुरू करने वाली पहली महिला एथलीट कौन होगी?
तो इसका सही आंसर रहेगा एना कोरा काकी, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। और दोस्तों ये यहाँ पर याद रखना है, एना कोरा काकी जो है वो ग्रीस की ओलंपिक शूटिंग चैंपियंस है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 21 से 23 फरवरी तक पहला राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये उत्सव आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और इसका आयोजन केंद्र खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ये तो सभी को पता चली गया होगा, गली बॉय को, ठीक है। गली बॉय के डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में कितने एम्स के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? प्यारे दोस्तों दो एम्स के लिए मंजूरी दी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। यहां पे अगर बात की जाए, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 9 मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी मिली है। कितने? 9 मेडिकल कॉलेज को भी मंजूरी मिली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP13 सम्मेलन का शुभांकर किसे चुना गया है? सॉरी, तो ये चुने गए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और इसका आयोजन दोस्तों 17 से 22 फरवरी तक गांधीनगर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? इसका सही आंसर रहेगा मुंबई पुणे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। और ये 14 फरवरी को केंद्र मंत्री नितिन गडकरी ने यह बस सेवा शुरू की है दोस्तों, ठीक है। इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है ये, इसको जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में राजेंद्र कुमार पचौरी का निधन हो गया, वे किस संस्थान के प्रमुख रह चुके थे? जल्दी से बताइए दोस्तों, राजेंद्र कुमार पचौरी किस संस्थान के प्रमुख रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ट्राई, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा राजीव बंसल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इन्होंने अश्वनी लोहानी के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, अश्विन लोहानी के स्थान पर इनको नियुक्त किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, रेलवे वाले स्टूडेंट हो चाहे SSC वाले, किसी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ICC द्वारा किस देश की महिला क्रिकेट टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की फुल फॉर्म है, आई होप कि सभी को पता होगा, मुख्यालय दुबई में है, अध्यक्ष कौन है अभी? शशांक मनोहर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में हुए म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, S. जयशंकर ने, तो ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर।
और इसका जो आयोजन था दोस्तों जर्मनी में आयोजन किया गया था इस सम्मेलन का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, पुलवामा हमले में शहीद किए किस सुरक्षा बल में 40 जवानों की समृद्धि में एक स्मारक का उद्घाटन किया गया। पुलवामा हमले में शहीद किस सुरक्षा बल की, देखिए यार किस सुरक्षा बल की 40 जवानों की समृद्धि में एक स्मारक का उद्घाटन किया गया, तो ये सीआरपीएफ के जवान थे दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंगाफो हुबा कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका सही आंसर रहेगा मणिपुर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहले सेफ्टी नामक इंटरनेट सुरक्षा पहल शुरू की है, इसका सही आंसर रहेगा गूगल इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें लोगों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, इसका सही आंसर रहेगा नई दिल्ली में। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर पहल लॉन्च की है, तो आयुष्मान भारत इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसके तहत प्रत्येक सरकारी स्कूल में 2 अध्यापकों को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर चुना जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया, इसका सही आंसर रहेगा फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, राज्य पूछा जाएगा तो दोस्तों राज्य तो केरल हो जाएगा, ठीक है, केंद्र शासित पूछा जाए तो पुदुचेरी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 5वां संस्करण है वो आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल ब्रिटेन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। और इसका आयोजन 26 फरवरी तक ब्रिटेन के क्षेत्र में ही किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फिल्म्स फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला, इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल दोस्तों रणवीर सिंह को मिला है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। किस मूवी के लिए, गली बॉय मूवी के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, यस भारती पुरस्कार किस राज्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, और इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश रहेगा। और ये चर्चा में क्यों है, क्यों इस पे क्वेश्चन बना है, क्योंकि इसके स्थान पर अभी राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार शुरू किया जाएगा, तो इसलिए ये चर्चा में है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आते हैं वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कोप 13 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो प्यारे दोस्तों अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी देखा था, उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने और यह सम्मेलन 22 फरवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला। तो ये भी दोस्तों गली बॉय मूवी के लिए मिला है आलिया भट्ट को, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 दिन का सप्ताह स्वीकृत किया है। तो 5 दिन का सप्ताह स्वीकृत किया है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने, इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और यह फैसला सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में SCF क्रिकेट मैदान का उद्घाटन किया गया। इसका सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चर्चा में रहे सौरभ घोषल और जोशना चिनप्पा का संबंध किस खेल से है। सौरभ घोषल और जोशन चिनप्पा का संबंध दोस्तों स्क्वैश से है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एयरलाइन गो एयर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं। दोस्तों विपिन दुबे इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गो एयर की स्थापना 2005 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई में मुख्यालय है, ये पॉइंट भी याद रखेगा। नेक्स्ट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 किस शहर में शुरू हुई। बिल्कुल दोस्तों तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 किस शहर में शुरू हुई, नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीन के खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा अभियान लॉन्च किया है। तो प्यारे दोस्तों बिहार इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। और अभी मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है बिहार में, और जो राज्यपाल है वो है फागू चौहान, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने अमेरिका में आयोजित केनर्स कप शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। तो कोनेरू हम्पी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कोनेरू हम्पी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर की शतरंज खिलाड़ी है, आंध्र प्रदेश से है मतलब, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस शहर में बस स्टैंड का नाम पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल अंबाला का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, सुषमा स्वराज जी को मरणोपरांत 2020 के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, तो ये आपको याद रखना है। किस भारतीय खिलाड़ी ने 20 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भावना जाट ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और इन्होंने नेशनल रेस वॉक चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाने के साथ ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना का INS कवर्ती पोत सौंप दिया गया, इसे किस शिपयार्ड ने बनाया है? इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल दोस्तों GRSE कोलकाता, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की खालिस्तानवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा पांचवें स्थान पे आ गया है भारत, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। और रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया दोस्तों 19 फरवरी को, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी, उसी के दिन ये मनाया गया है। अपने 13 रेलवे स्टेशनों को ऊर्जा तटस्थ पर संचालित करने वाला देश का पहला जोन कौन सा है? इसका सही आंसर रहेगा दक्षिण मध्य रेलवे, यानी कि साउथ सेंट्रल रेलवे, और इसका जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, मुख्यालय कहाँ पर है? सिकंदराबाद। इसरो की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में इसरो कितने अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा? कितनी अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा दोस्तों? इसका सही आंसर रहेगा 10, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। और इसमें प्रथम जिसे इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 भी शामिल है। नेक्स्ट है 2021 में होने वाले जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भारत, और इसकी बात की जाए तो पिछले साल भी ये भारत में ही आयोजित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने रात सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया? और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पाकिस्तान, और इस मिसाइल की मारक क्षमता दोस्तों 600 किलोमीटर बताई जा रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोनों राज्यों को 20 फरवरी 1987 को, यानी कि 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 20 फरवरी को दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ने कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उबर के साथ कौन सी ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर रहेगा हिम्मत प्लस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और इसमें इससे कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सही लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 19 फरवरी को अपना 70वां राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया? इसका सही आंसर रहेगा नेपाल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आपको सभी को पता है राजधानी क्या है? काठमांडू है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जर्मनी में 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया? तो एस जयशंकर ने किया, इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। यहां पर डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री है, यह भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेफ बेजोस ने कितनी धनराशि के बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत की है? इसका सही आंसर रहेगा $10 बिलियन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जेफ बेजोस विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति है, अमेजोन के सीईओ और संस्थापक है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा अतुल कुमार गुप्ता को, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग यानी कि पीबीएल 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो बेंगलुरु स्पोर्ट्स इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस राज्य ने अपने बजट में राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने अपने राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? ये की है पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑप्शन आपको दिल्ली दे दिया जाए तो आप दिल्ली ही लगाओगे, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिया है। और यह छूट केवल उन्हें मिलेगी जो 3 महीने में, आज की वीडियो को एकदम जबरदस्त वीडियो है, आप कोशिश करिएगा कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कितने क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम किस शहर में बनाया जा रहा है? दोस्तों ये बनाया जा रहा है गुजरात में, ठीक है, गुजरात के किस शहर में? मोटेरा शहर में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। यहाँ पे अगर बात की जाए इसके उद्घाटन की, तो इसका उद्घाटन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया? निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा भोपाल, मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सम्मेलन में देश के जल विशेषज्ञों ने बढ़ते जल संकट पर चिंता व्यक्त की है, तो ये आपको नोट कर लेना है। प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों ये मनाया जाता है बिल्कुल 11 फरवरी को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। और इस दिन जो यूनानी विद्वान था हकीम अजमल खान, उनका जन्म हुआ था, हकीम अजमल खान का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पुलवामा आतंकी हमले की पहली वर्षगांठ कब थी? प्यारे दोस्तों ये 14 फरवरी 2020 को थी, ठीक है, मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ठीक है। और इस दिन 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में
हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो प्यारे दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जी नारायण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसरो की वाणिज्यिक इकाई है NSIL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में सब्सिडाइज भोजन के लिए कुदुमसिरी होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, ये केरल में स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इन होटलों में 25 रुपये में भोजन मुहैया कराया जाएगा, ठीक है, कितने रुपये में दोस्तों, ये भी आप नोट कर लेना, 25 रुपये में यहाँ पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों देखिए, एक बार फिर से मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रनिंग अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं तो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं? इसके इतने सारे बेनिफिट हैं कि एक वीडियो इसके लिए अलग से बनाई जाए 5-10 मिनट की, तो उसमें मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बता दूंगा कि कितने बेनिफिट हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के, ठीक है, जो आप यूट्यूब से कभी भी नहीं ले सकते। अगर आप अपने से प्यार करते हैं, अपनी जॉब लेने के लिए आप इतना लगन रख रहे हैं कि मेरे को जॉब मिली जानी चाहिए 2020 में, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा, ठीक है, आप इधर उधर मत भटके कि आप रेलवे भी पढ़ लेंगे, बैंक भी पढ़ लेंगे, SSC पढ़ लेंगे, किसी भी एक को टारगेट को सेट कर लीजिए, वही यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने रेलवे डाल दिया, कोई अगर बैंक की तैयारी करे तो बैंक, SSC कर रहा है तो SSC, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक, और ये कहाँ से आएगा, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, उसमें मोबाइल नंबर भर के लॉगिन करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइनें होगी, वहाँ से जाके अपना गोल सेलेक्ट करना होगा। जितने मंथ का भी कोर्स आप लेना चाहते हैं उतना ही सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जब आपका ये वाला ऑप्शन आता है कि एंटर रेफरल कोड, यहाँ पे आपको ये वाला कोड डालना है, जैसे आप इस कोड को डालते हो, अप्लाई कर देते हो, आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। इसके नीचे आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, और ये कभी कभी नहीं भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको डिस्काउंट तो इससे मिलेगा ही मिलेगा, फिर आपको ये भी अप्लाई कर देना है, उसके बाद आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और उसका आपको पेमेंट करना है, और सारी वीडियो क्लासेस और सब कुछ एजुकेटर की क्लासेस, सारे नोट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है और आप इसको आज ही ज्वाइन कर लेना, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी ज्वाइन कर लेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पर मिलेंगे, वहाँ पे मेरे कोर्स चल रहे हैं, SSC में भी, सॉरी बैंक में नहीं, SSC में और रेलवे में चल रहा है, ठीक है, तो आपसे मैं वहाँ पे मिल पाऊँगा, ठीक है गाइस। तो ये देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अपना नंबर भी लिख देता हूँ 8279711646। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करने वाले होंगे वो मेरे से व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितने भी स्टूडेंट को लेना है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल ऋषि सुनक इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान चांसलर थे साजिद जावेद, इनकी जगह इन्होंने ली है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में नौसेना किस जहाज को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंटस कलर प्रदान किया गया? प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों INS शिवाजी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। INS शिवाजी जो है दोस्तों वो वर्ष 1945 में कमीशन किया गया था, कब? 1945 में। तो पॉइंट आपको जो बता रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, उनको नोट करते चलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों को आयोजन, खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय
शीतकालीन खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, और इन खेलों का आयोजन खेलो इंडिया के तहत मार्च में किया जाएगा, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस संस्थान ने भाभा कवच नामक बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है? दोस्तों बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर जा रहे हैं, काफी स्टूडेंट तो कुछ और लगा रहे हैं, डीआरडीओ भी लगा रहे हैं, बट बी ए आर सी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म होती है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, इस जैकेट का भार भी आपसे पूछा जा सकता है, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनी है इसका भार है दोस्तों 6.8 किलोग्राम, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 11 से 13 फरवरी तक किस देश की उपराष्ट्रपति डांग थी निंग्योत थिन भारत दौरे पर थी? तो इसका सही आंसर रहेगा, तो वियतनाम इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल दोस्तों 13 फरवरी को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। देखिए जितने भी स्टूडेंट को आंसर पता होंगे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चिल्ड्रन ऑफ डेस्टनी नामक पुस्तक का विमोचन किया, या किसकी आत्मकथा है? दोस्तों के रामकृष्ण राव इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये एक प्रसिद्ध लेखक है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में वाले मंत्रिमंडल में इसको मंजूरी दी गई है। तेरह फरवरी से भारत और किस देश के बीच अजय वारियर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होगा? ब्रिटेन इसका सही आंसर रहेगा, भारत और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में किसने लिंक्डइन के सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा जेफ वेनर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या आधिकारिक नाम दिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा COVID-2019, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें सी ओ स्टैंड फॉर कोरोना, वी आई स्टैंड फॉर वायरस, और डी फॉर डिजीज। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा अगर डिटेल में पूछा जाए तो क्या है सी ओ कोरोना, वी आई वायरस और डी फॉर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 2019। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित उपन्यास गिरिराज किशोर का निधन हो गया, ये किस भाषा के लेखक थे? तो ये दोस्तों हिंदी भाषा के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है?
तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बिहार में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? तो आदित्य मेहता इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आदित्य मेहता ने फाइनल में पंकज आडवाणी को हराया था। किस देश ने पार्थ नामक विश्व का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर बनाया है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह डिवाइस जो है ये 400 मीटर की दूरी से बंदूक को गोली का पता लगा सकती है, ठीक है, 400 मीटर की दूरी से बंदूक की गोली का पता लगा सकती है, यानी कि ये डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की है? मेरे हिसाब से आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कुल सीटें कितनी है दिल्ली में? 70 सीटें हैं, 70 में से 63 आम आदमी के पास आई है और 7 भाजपा के पास आई है और किसी भी पार्टी के पास कोई भी सीट नहीं गई है। हाल ही में किस शहर का मेट्रो नेटवर्क देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, तो सबसे बड़ा तो दोस्तों दिल्ली का है, उससे सबसे बड़ा, और दूसरे नंबर पर हैदराबाद मेट्रो बन गया है, ठीक है, मेट्रो का नेटवर्क, देश का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हैदराबाद मेट्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो कृमि मुक्त दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और इस अवसर पर क्या होता है दोस्तों? इस अवसर पर बच्चों को दवाएं प्रदान की जाती है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, 10 से 28 फरवरी तक किस मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसका उद्देश्य क्या है, कोई बताना चाहेगा इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, 5वें भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आयोजन किया गया लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, ठीक है। जो अभी डिफेंस एक्सपो हुआ था दोस्तों, यह सम्मेलन लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो के दौरान आयोजित किया गया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व दलहन रहेगा, यहाँ पे विश्व आएगा बीच में, दलहन दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 फरवरी को ही मनाया गया है, यहाँ पर दोस्तों विश्व और ऐड कर लेना। और इसमें क्या बताया जाएगा, विश्व दलहन दिवस पर दालों के महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है या बताने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले विश्व के सबसे युवा गेंदबाज कौन बने? तो दोस्तों नसीम शाह इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नसीम शाह पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य सरकार ने गांव के मानचित्रों चित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का फैसला किया है? किस राज्य सरकार ने गांव के मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने का फैसला किया है? तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर रहेगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के किस शहर में पहले दिस पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो राजा महेंद्रवरम इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 6000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी। किस देश के फ्लिप बार्टन को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? बिल्कुल दोस्तों ब्रिटेन के, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। दस से चौदह फरवरी तक किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों बेंगलोर इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेले में फसलों की विभिन्न किस्मों के साथ तकनीकी का भी प्रदर्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है जिसे 1-47 की गोली भी भेद नहीं सकती है? तो दोस्तों ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं, आप बस इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल ये भारत ने ही बनाया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। और इसे भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने, फाइनल में किसको हराकर? भारत को हराकर 3 विकेट से। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है, वैसे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ इस पे, पैरासाइट को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। और पैरासाइट के जो डायरेक्टर है वो कौन है दोस्तों? बोंग जो हो। कौन है? बोंग जो हो। तो ये आप नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस टीम ने पहली खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020 जीत ली है? तो लद्दाख स्काउट्स इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लद्दाख स्काउट टीम में ने फाइनल में आईटीबीपी को हराया है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट ओकोन कागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की बालिका कौन बन गई है? तो ये बन गई है कामिया कार्तिकेयन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12 वर्षीय कामिया कार्तिकेयन मुंबई से हैं, तो ये भी आपका याद रखना है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस भारतीय कोच को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया? तो पुलेला गोपी चंद को, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और भारतीय बिल्कुल भारतीय बैडमिंटन के विकास में पुलेला गोपी चंद का अहम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO प्रशासन मिसाइल को विकसित कर रहा है, इसकी मारक क्षमता कितनी होगी?
परनास मिसाइल को विकसित कर रहा है, इसकी मारक क्षमता दोस्तों 200 किलोमीटर की हो गई। कितनी भाई, नोट कर लेना, 200 किलोमीटर की। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल होगी और थल, इसको थल सेना तथा वायु सेना द्वारा उपयोग किया जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो जोकिन फिनिक्स इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इनको ये जोकर फिल्म के लिए दिया गया है। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों मुंबई में। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, फरीदाबाद स्थित राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान यानी कि NIFM का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया जाएगा? बिल्कुल अरुण जेटली के नाम पर, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री थे जिनका 2019 में निधन हो गया था। किस शहर में औद्योगिक प्रदर्शनी यानी कि इंजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किया जाएगा? तो वडोदरा इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रदर्शनी में 300 से अधिक स्टॉलों में औद्योगिक उत्पादों को रखा जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने नोवल कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कितनी निधि को मंजूरी दी है? तो $2 मिलियन इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किन दो अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर सूर्य के ध्रुवों की मैपिंग के लिए ऑर्बिटर लॉन्च किया है? तो इसमें दोस्तों आती है नासा और ESA, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ESA है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गोरेला पेंड्रा मरवाही नामक नया जिला बनाया गया है? तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या दोस्तों 28 हो जाएगी, तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर यानी कि COP13 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश दोस्तों? भारत, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह सम्मेलन 17 से 22 फरवरी 2020 तक गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। त्रिपुरा के किस शहर में पहली बार हॉर्नबिल त्योहार मनाया गया? बिल्कुल दोस्तों अगरतला इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है, यह भी आपको याद रखना है। 2020 अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो एडिस अबाबा इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और एडिस अबाबा दोस्तों इथियोपिया की राजधानी भी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। भारत के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा 12 से 18 फरवरी 2020 तक उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। 12 से 18 फरवरी 2020 तक उत्पादकता सप्ताह मनाया जा रहा है और फरवरी मंथ को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 24 से 25 फरवरी के दौरान किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर होंगे? तो प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है गुजरात में, उसका उद्घाटन अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, ठीक है, और वो अमेरिका के ही राष्ट्रपति है, आपको पता है, वही 24 से 25 फरवरी के दौरे पर भारत आएंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ युद्ध द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उद्यमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा लाल रेमिसियामी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये मिजोरम की है,